खड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक माननीय मुख्यमंत्री शांत है, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आउट करना संवैधानिक प्रावधान हमारे सरकार ने बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं नटराज न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुरु रहमान सर। आज हम उनसे जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है और बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक के मामले में किसका हाथ था, ये आज हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की बिहार में स्थिति की जो बात कर रही है तो अजीब अतिशयोक्तिपूर्ण बात लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में और कैसा, क्या चीज़ कैसा है वो तुमको नहीं पता, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सड़ गया है, पूरी तरह से सड़ गया है। इसको कहिए कि उसमें इसको जबरदस्त ढंग से पोस्टमार्टम की आवश्यकता है। और इस हमारी सरकार हो या विपक्ष के हो या कोई भी हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी तरह का हल्का सा भी स्टेप उठाने के पक्ष में नहीं है, जो इस बात का परिचायक है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कथा हमको सिरोदार्ज हो रही है। और यह एकदम स्पष्ट हो रहा है कि बिहार सरकार, विपक्ष के लोग, सारे के सारे लोग हर मुद्दे पर बात करते हैं। नूपुर शर्मा पर बात होती है, दूसरा जो आपको मोहम्मद अली जिन्ना है ओबैसी पर बात होती है, लेकिन शिक्षा पर बात नहीं होती है। इसका मतलब कि शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई है। और अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो आप जान लो कि बिहार के नाम से जो लोग चिढ़ते थे, पहले घृणा करते थे, कुछ दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी थी, फिर से उसी पोजीशन पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था आ गई है और बर्बादी के चरम सीमा पर है। यह कहे तो कहीं से कोई भी अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। सरकार की तरफ से सर तमाम दावा वादा किया जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अव्वल नंबर पे है, लेकिन इसी बिहार में बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है परीक्षा से पहले, क्यों? देखिए, क्यों का तो बात हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से बात है कि सरकार जो दावा करती है वो सिर्फ सड़क पुलिया बनावे, रोड बनावे, वही बोले। और सरकार को अब दावा करना चाहिए कि बिहार के बच्चे पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि पढ़ाई से बर्बादी होती है। बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो गया जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आप इतने नैतिकवान हैं कि जब रेल दुर्घटना हुई थी तो आपकी कोई गलती नहीं थी, ना आप ड्राइवर थे ना गार्ड थे, लेकिन आप रेल मंत्री होने के नाते नैतिकता के आधार पर आपने त्यागपत्र दे दिया था। और आप बीपीएससी से बड़े बड़े ऑफिसर बनाइएगा जो बिहार में कल्याण की बात करता है, सुशासन की बात आप करते हैं, वैसी परिस्थिति में उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। क्वेश्चन आपने परीक्षा रद्द कर दिया, वो भी रद्द करना आपकी मजबूरी थी, लड़के रोड पर चले आते, आपने रद्द कर दिया। बीएसएससी 8 साल से एक परीक्षा अपना क्लियर नहीं किया, भाई इंटर स्तरीय धो देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए इन लोगों को। ये तो छात्र बेचारे अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा के बल पर मैं चलता हूं, नहीं तो इन सबको कबाड़ के फेंक देना चाहिए, गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए। जितने भी बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो या बीपीएससी के जितने अध्यक्ष सचिव एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो या आपको सिपाही भर्ती बोर्ड वाले के अध्यक्ष सचिव को गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित कर रहे हैं। इन लोग को किसी भी स्तर पर इन लोग पर रासुका लगाए। और माननीय मुख्यमंत्री, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शांत है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर गृहयुद्ध भी हो गया तो उसके लिए उत्तरदायी हम, यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, यही हमारा विपक्ष होगा, यही हमारी सरकार होगी। लेकिन मैं बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं, गृहयुद्ध हो, मैं उसका समर्थन करता हूं, अगुवाई भी करूंगा, दम है सरकार में तो उठवा के देखे, लेकिन अहिंसात्मक हो, अहिंसा के बल पर हो, क्योंकि शिक्षा जब चौपट तो सब कुछ चौपट हो जाता है। और वही बात आज हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पढ़ा लिखा लोग फेंक रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है अशिक्षा कारण। ये टोटल 100% फेवरिटी ऑफ गवर्नमेंट और जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी है, उनको पूरी तरह से दो समझेंगे। अरे बाप, आप कहते हो कि हम 7 तल नीचे से क्रिमिनल को पकड़ लेंगे, अभी तक बीपीएससी का क्वेश्चन कहां से आउट हुआ आपको पता नहीं चला? अभी तक बीपीएससी का चेयरमैन निर्लज व्यक्ति आरके महाजन बैठा हुआ है और इंटरव्यू भी ले रहा है 66वीं का, एग्जामिनेशन कंट्रोल अभी तक घूम रहा है। जो 200 बच्चे बिरकुंवर सिंह में परीक्षा दे रहे थे उनमें से एक बच्चे से पूछताछ नहीं हुई, आखिर क्या कारण है? इसका मतलब मंशा स्पष्ट है, हम दिखा देंगे, हमारे छात्र दिखा देंगे।
और कुछ नहीं, किसी पार्टी को नहीं, नोटा दबवा देंगे नोटा, और नोटा दबवाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि लड़के हम, लड़के हमारे बेटे हैं तो हमको बाप मानते हैं। निश्चित रूप से अगर बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, घड़ियाल नहीं पकड़ा गया, तो हमको अब विश्वास नहीं रह गया। सर क्यों अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया? सरकार नहीं जा रही है, स्पष्ट रूप सरकार नहीं जा रही है। क्या सरकार मिली भगत है? सरकार की मिली भगत हो या नहीं हो, लेकिन सरकार का संरक्षण जरूर होगा किसी न किसी पर, या सरकार डर रही होगी, तभी अभी तक घड़ियाल नहीं पकड़ा गया है। कोचिंग संचालक आप नाम ले रहे हैं, कोचिंग संचालक में कौन कोचिंग संचालक का नाम ले रहे हैं? पकड़िए ना, क्यों डर रहे हैं आप? सर आप बंदी के लिए तो चिल्लाते हैं, 20-25 हजार लड़का मैं लेके था शराबबंदी में, उनके बंदी के लिए चिल्लाते हैं आप, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, खाक पढ़ाओ, जब आप किसी तरह को कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक पकड़ा नहीं गया कोई, ये एक एक भागा हुआ है कि आनंद या पिंटू यादव क्या नाम है, भागा गया हुआ है कि उसी को मुख सरगना कर रहे हैं, और आयोग का अध्यक्ष मुख सरगना नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोल मुख सरगना नहीं है, 8 साल से परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा हो गया रिजल्ट नहीं हुआ, इंटर स्तरीय का वो अपराधी नहीं है। पूरी तरह से सरकार आंख बंद की हुई है, और सरकार का आंख बंद करना बहुत बुरा होगा बिहार के लिए, बहुत बुरा हो रहा है बिहार के लिए, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं उसमें। तमाम सर बिहार में परीक्षाएं होती है उसमें धांधली होती है, कभी आरक्षण को लेकर तो कभी प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है, ऐसा मामला हमेशा बिहार से ही क्यों जुड़ा हुआ है? देखिए आरक्षण पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन क्वेश्चन आउट करना संवैधानिक प्रावधान हमारे सरकार ने बना दिया है कि क्वेश्चन आउट करो, ये इंटेलिजेंस है। जैसे यूरोप में आपको पैसा लेकर स्वर्ग जाने का वीजा दिया जाता था ना, उसी तरह अब बिहार में हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो नौकरी लो, जिसके पास पैसा नहीं है वो बर्बाद में जाकर दूसरे स्टेट में गाली खाओ और नौकरी करो। ये 100% सरकार फेलियर है शिक्षा के मामले में। मैं बहुत सारे मीटिंग में, बहुत सारे अवार्ड में जाता हूँ, हर नेता, चाहे जदयू कहो, राजद कहो, कांग्रेस कहो, भाजपा कहो, कम्युनिस्ट कहो, हर नेता सब जगह चिल्लाता है, लेकिन शिक्षा पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि डर लगता है, शर्म आती है उन लोगों को शिक्षा पर बात करने में, क्योंकि वे लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, और शिक्षा को बर्बाद की जिस चरम सीमा पर ले गए हैं लोगों का विश्वास टूट गया है। लेकिन घबराइए मत, 5 साल पर इलेक्शन होता है और 5 साल बाद जनता का ही शासन आता है, और इस बार बच्चे नोटा दबाएंगे, इसके लिए हम घूम घूम कर पूरा बिहार दौरा करेंगे, पूरे भारत दौरा करेंगे, घूम घूम कर नोटा दबवाएंगे। मंदिर बन जाए बहुत अच्छी बात है, 3 तलाक का मुद्दा है बहुत अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, शराबबंदी का समर्थन करता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करता हूँ, दहेजबंदी का समर्थन करता हूँ, लेकिन आप लोग जैसे निठल्ले व्यक्ति लोग ये शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट कर दी है उसका विरोध ही नहीं करता हूं, विरोध करता रहूंगा जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान सर, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल नटराज न्यूज।